मैंगोस का सीजन है। हम इस सीजन में कई तरह के मैंगो के डेजर्ट्स बना सकते हैं। मैंगो खीर बहुत टेस्टी बनती है। आपको ये रेसिपी मेरे वीडियोस में मिल जाएगी, जरूर देखिए। आज मैं आपको मैंगो पुडिंग की टेस्टी रेसिपी का तरीका सिखा रही हूँ, तो देखते रहिए कुक विद फेम चैनल। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए मैं दो बड़े साइज के आम ले लेती हूँ और इसका जो स्किन है उसे निकाल के इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। आम के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए। आम के पीसेस में मैं करीब 1 कप दूध डाल देती हूँ और 1 कप कंडेंस्ड मिल्क। ये कंडेंस्ड मिल्क होममेड है। आपको इसकी रेसिपी मेरे वीडियोस में मिल जाएगी या मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इसका लिंक जरूर मिल जाएगा। और 1/2 कप पिसी हुई चीनी या शक्कर या पाउडर शुगर भी ऐड कर लीजिए। अब मैं इन सभी को अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। मैंगो पल्प ग्राइंड होके तैयार है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल लेते हैं, ये ऑप्शनल है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पैन में मैं थोड़ा सा अगर अगर पाउडर ऐड कर लेती हूँ। ये भी जेलेटिन जैसा ही है बट ये वेट जेलेटिन है। ये हमारे पुडिंग को सेट होने में हेल्प करेगा। मैं अब इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इसे हम ऐसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ख्याल रखिए कि इसमें लम्स ना फॉर्म हो। ये अब तैयार है। अब हम इसे कूल होने देते हैं। अगर का जो सॉल्यूशन है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। ऐड करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आप मैंगो पुडिंग सॉल्यूशन को आपके फेवरेट बाउल्स में सेट होने के लिए रख दीजिए। मैं इसमें इसको ऐड कर लेती हूँ। इस तरह से मैं बाउल्स में मैंगो पुडिंग को सेट होने के लिए रख देती हूँ। उससे पहले मैं इनको गार्निश कर लेती हूँ। इनको मैंगो पीसेस से गार्निश कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़े से रेजिन्स या किशमिश भी ऐड कर लेती हूँ डेकोरेशन के लिए, और खजूर के पीसेस को भी इस तरह से स्लिट करके इसमें ऐड कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसे हम इस तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। तो चलिए, इसकी खूबसूरत टॉपिंग खत्म हो चुकी है। अब मैं इसको रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 घंटे तक सेट होने के लिए रख देती हूँ। 2 घंटे हो चुके हैं, ये सेट हो चुका है। मैंगो पुडिंग अब सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर ट्राई कीजिए रेसिपी, बहुत टेस्टी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम।